What up everybody, it's your boy Danish Zehen back at it again with a new video. आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखा और अभी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं बोल रहा, ये वीडियो सही सही बंदे पे पहुंचनी है, पूरी फैम्ब्रो आर्मी को ये वीडियो देखनी है। आज है 20 दिसंबर और आप में से जो जो फैम्ब्रो के मेंबर्स है और दानिश जेहन भाई के फैंस है, फॉलोअर है, उन सबको पता होगा आज क्या मनहूस दिन था। आज उनकी डेथ को पूरा एक साल हो गया है एंड भाई ये बहुत बड़ी बात है कि आज के डेट में भाई बेटा अपने बाप को पहचानने से मुकार देता है, लोग भूल जाते हैं सबको। एंड भाई को देख के एक ही चीज की बहुत तगड़ी मोटिवेशन आती है, जिंदगी में करो तो कुछ ऐसा करो कि हाँ भाई लगे हमने जिंदगी में कुछ करके गए। अब ये थोड़ी है अरे तुम नौकरी करो फिर बुढ़े हो गए, अपनी बीमारी में खर्च करते रहो, पैसे फिर मर जाओ। दानिश भाई लेजेंड थे, लेजेंड है और लेजेंड हमेशा रहेंगे। और ये वाली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मेरी ऑलरेडी मैं ये दो वीडियोस जब उनकी डेथ हुई थी उनके उसके ऊपर बनाई थी, वो वीडियो मिलियन में गई है। तो अब थोड़ी कर लेते हैं पैसों की बात। आप में से बहुत लोग ये बोलोगे भाई तू ये करता है सब्सक्राइबर के लिए, तू बोलेगा सब्सक्राइब कर उससे तेरे को पैसे मिलेंगे और तेरे इस वीडियो में ऐड आएंगे। भाई मेरी ये वीडियो है मिलियनों में और मेरे कितने पैसे आ सकते थे ये आप अंदाजा लगा सकते हो। 1 लाख के बाद मैं इन दोनों वीडियो से चार सकता था, बट नहीं भाई, अपनी मेहनत का खाना अपनी मेहनत का खाना है। एज अ फैम्ब्रो को मेंबर, एज अ दानिश जेहन भाई का फैन हूँ मैं, तो इसलिए भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वाली वीडियो छोटी सी एक मोटिवेशनल वीडियो टाइप की। देखो भाई हर इंसान के अंदर बुराई भी होती है अच्छाई भी होती है, ये कुछ बातें बहुत छोटी वीडियो है, इनको बिल्कुल ध्यान से समझना, आपके बहुत काम में आ सकती है फ्यूचर में। हर बंदों के अंदर बुराइयां भी होती है अच्छाइयां भी होती है। अगर आप बंदे की बुराई वुराई देखो ना तो वो बंदा आपको बुरा ही दिखेगा, और अगर आप उस बंदे की अच्छाई देखोगे ना, हर बंदे के अंदर अच्छाई होती है, तो हमेशा पॉजिटिविटी की चीज की ओर जाओ। और जब कोई बंदा ऊपर जाता है ना उसको नीचे खींचने वाले बहुत आते हैं। भाई दानिश जेहन भाई के कितने हेटर्स थे और उनका नाम यूज करके लोग, और कोई ने तो अपने थोपड़े उनकी तरह कर दिया, आईब्रो बाल वाल लुक्स उनकी तरह, ताकि लोग उसको दानिश जेहन समझे। मैं पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे कि कौन कौन है वो सब जो मार्केट में दानिश जेहन भाई बन के घूम रहे हैं। बट भाई चाहे तुम जितना मेकअप पकड़ो जितना जोड़ो, एक दानिश जेहन था, एक है और एक ही रहेगा हमारे दिल में। भाई हमेशा भाई जिंदा है, लेजेंड है। 22 की उम्र में भाई ने वो अचीव कर लिया जो हम सोच ही नहीं सकते। भाई 22 की उम्र में तो हमारी कॉलेज लाइफ ही खत्म होती है, हम ये सोचते भाई हमको जिंदगी में क्या करना है करना। उस उम्र में भाई ने अपनी जिंदगी की A to Z हर चीजें अचीव कर ली थी। सो यार एक छोटी सी लाइफ है, उस लाइफ को ना बिल्कुल इंजॉय करो और लाइफ को ऐसी बनाओ कि आपको लगे हाँ भाई हमने जिंदगी में कुछ करा है। ये नहीं है कि पढ़ो कमाओ बुढ़े हो जाओ बीमारियां पैसे लगाओ और मर जाओ। भाई ऐसी जिंदगी लाओ कि ऐसा लगे हाँ भाई हम कुछ करके गए। एंड दानिश भाई यार इतनी सी उम्र में भाई इतना कुछ हमको देकर चले गए, इतनी लोग उनसे मोटिवेटेड हुए यार। आज ही भाई ऊपर से देखते होंगे तो कितना गर्व फील होता होगा कि हाँ भाई मैं कुछ करके गया यार, क्योंकि भाई का हार्ड वर्क, भाई कैसे टाइप के बैकग्राउंड एरिया से थे, मुंबई में कुर्ला में, ठीक है, और वहां पर से भाई ने इतनी मेहनत करी, वहां के लोग ये सोचते हैं कर क्या रहा है ये पागलपंती, क्या कर रहा है कैमरा उठा के यूं यूं करके। अब पता लग रहा होगा लोगों को कि वो बंदा क्या करता था। बहुत ही तगड़ा रेवोल्यूशन फैला के गए दानिश जेहन भाई, एंड हमेशा भाई दानिश जेहन हमारे दिल में भाई की बहुत याद आती है। अभी होते तो भाई से पक्का मिलना था एक बार। एंड और जैसा कि सब ऊपर जाते हैं उनको खींचने वाले बहुत आते हैं, ऐसा ही हमारे दानिश जेहन भाई के साथ हुआ। कितने सारे लोग उनके नाम पे ये बोलते हैं वो इल्लुमिनाटी है, भाई भाई ये है, भाई वो है, पैसे लेता है, वो कुछ नहीं करता है। भाई हेटर सबके होते हैं, ठीक है, बट जो इल्लुमिनाटी ये सब फालतू की चीज है ना, ये सब लोग सिर्फ किस लिए करते हैं, व्यूअर्स के लिए, ठीक है, पैसों के लिए। ये सिर्फ आजकल भाई पैसा ही बीच में आ जाता है हर चीजों के, तो लोग सिर्फ अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, चैनल बढ़ाने के लिए और पैसों के लिए ये सब करते हैं। वो अपना चैनल का नाम ही दानिश करके कुछ रख देते हैं, और उनके बोलने का स्टाइल, उनका देखने का, वो सब उन्हीं की तरह, बट अपनी मेहनत से कमाई हुई जनता होती है ना, वो पूरी जिंदगी भर रहती है। आई होप उनका भाई गुफरान उनका चैनल ऐसे सही से हैंडल करते रहे और जो जो बीच कॉन्ट्रोवर्सी उन सबसे दूर रहे। एंड बस रेस्ट इन पीस सोल ऑफ दानिश जेहन। वीडियो एज ऑल ओवर थोड़ी इंस्पिरेशन वीडियो, थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन इस वीडियो से मिली होगी ना, तो कमेंट करके तो जरूर जाना यार।